इट्स नॉट इवन डांसिंग सॉन्ग टू बी ऑनेस्ट. चले नहीं गाना नहीं आपने परफॉर्म करना, हम चला लें. आंखें ये तेरी इतनी हंसी है, इनसे मैं आंखें फेरूं ना. सारी उम्र में इनके सिवा अब मौला मैं कुछ भी देखूं ना. मेरे आस पास दिन और रात बस तू. पड़ेगा जरूरी कि हीरोइन आखिर है कौन है और कौन किसकी है. इनके गाने में हम लोग चले गए थे, फिर मैंने कहा इनको काफी बिल्कुल काफी इंटरेस्ट हो गया गाना. मैं भी देख रही थी और मैं वली को देख रही थी और जैसे ही वली ने पारिया को हाथ रखा मैंने साथ ही नूर को देखा. अच्छा नहीं मुझे ये सुनी था वो फिर आता ही है कि फेसबुक पे आते ही आते एक शो कर रहे थे साइमन में, तो साइमन और लैला डांस कर रहे थे, उसके बाद फेसबुक पे हेडिंग आई थी कि मॉर्निंग शूज में ये होने लगा. मुझे बहुत ज्यादा एक्चुअली दैट प्रॉब्लम इज दैट शो से नहीं बट हम फिल्म अपनी को बट लेकिन थोड़ा मैं ये कहना चाहूंगा हमें अपनी मैं को चाहती कि हां चेंज करना चाहिए, किसी को चेंज करना चाहिए. अगर इतना बुरा है तो जाके इंडियन फिल्म्स का इतना ह्यूज बिजनेस इस मुल्क में ना हो. और अगर हमारे आर्टिस्ट इस तरह से परफॉर्म करते हैं तो एक्सेप्टेड कि आप लोग फिल्म में यही देखना चाहते हैं. आइटम नंबर तो आइटम नंबर है, वरना कह देते हैं सब फैमिली देखती है. बिल्कुल ड्रामे जैसी थी उसमें, फिल्म जैसी तो कोई बात नहीं थी. बिल्कुल एंड द थिंग इज कि इट इज अ रोमांटिक सॉन्ग, अब हम डांस तो कर नहीं सकते थे. व्हाट कुड वी डू, दिस इज अ सॉन्ग कर रहे हैं यार. नो बट यू गाइस डिड अ ग्रेट जॉब. और हमारी म्यूजिकल फिल्म है ना, इट्स नूर इज इन अ वेरी गुड मूड टुडे. नहीं वाली है ना, कुछ और ही मूड हो गई है. प्रॉब्लम ये है कि हम दोनों उठ के चले. हां ये लोगों के गाने पे हम तब भी तो हम लोगों ने रंग में भंग डाला था, तब भी मेरी उठ डाला. हां इस गाने में एक और मोमेंट बड़ा कमाल किस्म का था, जब नूर वली डांस कर रहे हैं और वली रियल नहीं एकदम मैं तो यार खड़ी भी सारी ऑब्जर्व कर रही हूँ. तो वली को एक सेकंड लगा वापस आने में. नहीं वली काम की देर चल था, मुझे करना पड़ा उसे पुश के. कोई बात नहीं भाई, भाई आ जाओ भाई, अभी नए हीरोइन. अच्छा ये सारी जो चीजें हैं ये फिल्म में भी आपको मिलेंगी. अच्छा? ये जो सारे आर्गुमेंट्स हैं और ये इस किस्म की जितनी नोकझोंक है ये सब फिल्म में भी है. अच्छा और हमारे सेट पे भी यही हो रहा है. हमारे सेट पे भी इवन साइमन में बेस्ट फ्रेंड्स हैं, हम सब फ्रेंड्स हैं. अहमद इज अ वेरी ओल्ड फ्रेंड, हम लोग इतना लड़ भी रहे होते थे. कॉफी हमें इवन आके एक दूसरे को दे रहे हैं. कॉफी लेके आता था, हमें सबको बुला दो कॉफी लाके. और फिर बहुत मस्ती की फिल्म में, फिल्म के सेट पे भी. और मैं कहना चाहूंगा की इंटायर टीम जो पॉजिटिव की है, ना कि ये नहीं कि डायरेक्टर या कास्ट, इसके पीछे हर एक लाइट मैन से लेके हर इंसान ने बहुत मेहनत की इस फिल्म पे. कामन अख्तर, जैसे मैंने बताया था, कामन अख्तर, साजी और मैंने, हम लोग तीनों ने बहुत मेहनत की म्यूजिक के ऊपर. और बहुत खूबसूरत म्यूजिक है, साजी आई मस्ट अप्रिशिएट, बहुत कमाल म्यूजिक. मैं बहुत जरूरी समझती हूँ, हमारे साथ है नहीं, कराची में है हमारे डीओपी,
अगर वो नहीं होते तो ये फिल्म जो आपको फिल्म नजर आ रही है वो नहीं होती. ठीक है, खूबसूरत उन्होंने बनाया है इसको खूबसूरत. लोकेशंस इतनी अच्छी, लोकेशंस तो पाकिस्तान में है सारी. जी बिल्कुल, पाकिस्तान में नारान कागान, आजाद कश्मीर, फिर बहावलपुर एंड लाहौर. वाह जबरदस्त, ब्यूटीफुल. पाकिस्तान. अच्छा साजी, मतलब इस सारे म्यूजिक को वो करने में क्या क्या इंस्पिरेशन रही थी और क्या कैसे बैठ के म्यूजिक लिरिक्स लिखे गए, कैसे आपने सारा कुछ कलेक्ट किया? पहले फिल्म का स्क्रिप्ट आया, पहले गाने आए, क्या चीज? सबसे पहले म्यूजिक, माइक माइक ऊपर करके आप बोले. पहले म्यूजिक किया था, पहले म्यूजिक किया था, पहले म्यूजिक किया था. अच्छा, पहले गाने बने थे, गाने बने थे, स्क्रीन प्ले बन गया था. और स्क्रीन प्ले मतलब थोड़ा आइडिया, इनके गाने एक्चुअली मैंने बनाए और उसके बाद जैसे जैसे गाना बनाते थे ना वैसे वैसे मेरे दिमाग में एक सिचुएशन आती थी. ठीक है, और एग्जैक्टली वहाँ बैठे हुए सोच रहे थे, ये बना रहे होते थे गाना शुरू से. आई वॉज अ पार्ट ऑफ दिस थिंग. और फिर आहिस्ते से सोचते सोचते फिर सूरज को हम लोगों ने कॉल किया, इनको एक खाका बताया कि भाई ये, बिकॉज देखिए स्टोरी हमेशा आपकी अपनी होती है कि मुझे इस तरह की चीज चाहिए, फिर उसको राइटर क्रिएट करता है. ठीक है, ये एक डायरेक्टर का और एक जो प्रोड्यूसर का वो एक ख्वाब होता है ना, कोई भी सपना आप देखते हैं कि मुझे ये प्लॉट चाहिए, फिर उसमें सूरज ने रंग भरे, फिर उसके बाद एक्टर्स ने उसको और खूबसूरत बना दिया. लेकिन मैं बता रहा चार चांद लगा दिया जो था ना इसका. मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि म्यूजिक अगर नहीं होता तो आज हम लोग फिल्म कंप्लीट नहीं कर पाते. इस पॉजिटिव का म्यूजिक बहुत इंपॉर्टेंट था इस फिल्म का, क्योंकि इसके गाने 9 सॉन्ग्स है फिल्म में. सही, वो सॉन्ग्स जब हम लोग सुनते थे तो जैसे ये बताया नूर ने कि हम सिचुएशन उस तरह की बननी शुरू हो जाती थी. ठीक है, और मैं कहना चाहूंगा कि आई एम वेरी थैंकफुल वंस अगेन, वो अभी हमारे साथ नहीं है, फील है ना अपनी फिल्म का. म्यूजिक भी हर टाइप का गाना है हमारी फिल्म में, मतलब वी हैव एवरी काइंड ऑफ. अरे हमारे जो हर टाइप के गाने सीरीज हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. मैं माशाल्लाह से रास्ते में सुन रही थी. अच्छा, वो पूरी सीडी ये नहीं कि आप स्किप करेंगे कोई गाना, कर ही नहीं सकते इतना, मतलब हर गाना एक से एक बेहतर गाना है. बिल्कुल सही, हर टाइप का गाना उन्होंने कहा. तो इसमें कोई आइटम सॉन्ग भी है? यस ऑफ कोर्स, आइटम सॉन्ग. आइटम सॉन्ग के बारे में बताते हैं सर जी. अच्छा, एक आइटम सॉन्ग है और जिसका इसमें आइटम कौन है? आइटम हमारी फिल्म स्टार सना जी है. सना, अच्छा. और इस आइटम को गाया है फरा ने. अच्छा, और इसका जो म्यूजिक अरेंज किया था वो चोनी ने किया है. अच्छा, उसने बहुत सारा म्यूजिक इसका अरेंज किया. तो वो आइटम सॉन्ग भी पड़ा हुआ अभी हमारे पास, मतलब किस किस्म का सॉन्ग? उसमें थोड़ी कमी है विटामिन की. मेरे में कमी कोई नहीं, इसलिए मैं आपको सही बोल. लेकिन मैं वक्त नहीं, रणा के साथ नूर ये, बल्कि मैं इस गाने के बारे में बताना चाहूंगी. सब मुझसे पूछते हैं कि फिल्म के गाने सारे बहुत अच्छे हैं और आपका फेवरेट कौन सा है. मेरा एक्चुअली ये फेवरेट गाना, ये फेवरेट गाना, तो आ जाइए प्लीज आप भी. वो कह रहे हैं मैं वक्त नहीं हूँ रहना. चले जी, हमारी म्यूजिशियन से समझ लिया. चलिए जी, हम इस गाने को प्ले करेंगे साथ साथ. टाइम लग रहा है भाई. हाँ, थोड़ा सा टाइम लग रहा है. टाइम थोड़ा लग रहा है. मैं एक चीज जल्दी से शेयर करता चलूँ, वक्त कम हो जाएगा. मुझे तीन लोगों के साथ काम करने का फर्स्ट टाइम इत्तेफाक हुआ. एक तो दुर्दाना आपा, कैसे हम उनको भूल सकते हैं. मैं हमेशा से उनकी प्लेस देखता था. दुर्दाना भट्ट, दुर्दाना भट्ट. वाह, शी इज एन अमेजिंग पर्सन टू वर्क विद एंड शी इज अ चाइल्ड. She, when you with her, when you, जब हम आप उनके साथ काम कर रहे होते हैं तो इतना मजा आता है. वो अंदर ही आपके हिसाब से हंसी खाने वाली बात होती है. हाँ, अच्छा. और दूसरी बात ये कि जब भी मैं शॉट दे रहा होता था और नूर सामने होती थी, तो जब तक मुझे वो ये नहीं कहती थी, जब मैं शॉट दे के फौरन को देखता था कि ये मुझे ओके कहेंगी तो मुझे लगेगा कि हाँ.